नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर दोस्तों आज आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। आज आपका यूपी बोर्ड का कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है दोस्तों वो घोषित किया जाएगा। इसको लेकर दोस्तों आज शिक्षा मंत्री मीटिंग भी लेने वाले हैं और आज आपका दोस्तों राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड का भी रिजल्ट आ रहा है। ऐसे में दोस्तों आज आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट आएगी कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को जारी करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है दोस्तों वो आज है वो घोषित हो जाएगा। इसको लेकर दोस्तों शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मीटिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज की क्या अपडेट है यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी बोर्ड के रिजल्ट से संबंधित आपको डेली चैनल पर अपडेट है वो मिलती रहे और आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है उसकी भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो यूपी बोर्ड का दोस्तों जो रिजल्ट है वो आज दोस्तों है घोषित हो जाने है और आज दोस्तों रिजल्ट को लेकर मीटिंग भी होगी जिसमें कि आपके दोस्तों कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब जारी करना है इसको लेकर दोस्तों आज जो बैठक है उसमें अहम निर्णय है वो लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है वह दोस्तों कभी भी आपका जो है रिजल्ट डेट की घोषणा कर सकता है और हो सकता है दोस्तों डायरेक्ट भी रिजल्ट घोषित हो जाए क्योंकि रिजल्ट है दोस्तों वो कभी भी आ सकता है। रिजल्ट आपका पूरा तैयार हो गया है। आज दोस्तों CBSE और CISE सहित सभी राज्यों को जुलाई के अंत तक अपने कक्षा के जो है रिजल्ट है वो जारी करने को कहा गया था। दोस्तों अपनी क्लास के सभी रिजल्ट है वो जारी करने कक्षा 10वीं और 12वीं के, और रिजल्ट दोस्तों अब जारी होने वाले हैं जल्दी ही। यूपी बोर्ड के 56 लाख छात्रों का रिजल्ट को लेकर इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या यूपी बोर्ड के मंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा को रिजल्ट डेट घोषित करने की यहाँ पर ऐलान जल्द किया जाएगा। आज सरकार के पहले ही समय रहते छात्रों को रिजल्ट जारी किए जाने को लेकर बोर्ड को निर्देश दे चुकी है जिससे कि किसी भी छात्र को दूसरे स्कूल या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने में असुविधा ना हो। यानी कि दोस्तों अब आपका रिजल्ट है वो दोस्तों कभी भी आएगा और जो अपडेट है उसके अनुसार दोस्तों 27 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी करने की यहाँ पर उम्मीद है वो चेता जा रही है। इसको लेकर आज दोस्तों फैसला आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई सभी बोर्ड को लास्ट दी है, यानी कि 31 जुलाई से पहले आप सभी का रिजल्ट वो जारी करें। इसी बीच दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि छात्रों को इम्प्रूवमेंट परीक्षा का भी मौका दिया जाएगा। जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन के मिले रिजल्ट से खुश नहीं होंगे उन्हें आने वाले समय में परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। उनका परीक्षा फल 2021 का ही माना जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम भी दे पाएंगे। हालांकि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दोस्तों जो आपका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है वो 10वीं और 12वीं का वो 100% रहने वाला है। सभी स्टूडेंट को पास किया जाएगा, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी अपडेट है वो है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष मेरिट सूची के आधार पर टॉपर्स की छात्रवृत्ति व अन्य लाभों से सम्मानित नहीं किया जाएगा। हालांकि इस साल बोर्ड टॉपर्स की मेरिट सूची नहीं जारी करेगा जिसकी वजह से जो मेधावी छात्र हैं उनको लाभों से वंचित हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों टॉपर की सूची नहीं निकाली जाएगी। आपकी जो मार्कशीट है वो 7 दिन के अंदर आपकी जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी जिसे आप ई मार्कशीट कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ई मार्कशीट आपकी आएंगी जिससे आप एडमिशन ले पाएंगे। हार्ड मार्कशीट दोस्तों आपकी 15 दिन के अंदर आपके स्कूल में भेज दी जाएंगी। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आपको देखने के लिए दोस्तों वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट यूपी रिजल्ट, upeducation.in, ये दो वेबसाइट हैं दोस्तों। इसके अलावा 5 अन्य वेबसाइट पर भी रिजल्ट आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के माध्यम से आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर पाओगे। ये वेबसाइट है दोस्तों, इस पर आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट इसी वेबसाइट पर जारी होगा। ऑफिशियली वेबसाइट है दोस्तों, अभी आपकी रोल नंबर की लिंक आ चुकी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कक्षा 10वीं का ही रिजल्ट पहले आएगा, कक्षा 12वीं का रिजल्ट बाद में आ सकता है। अब देखना होगा दोस्तों कब तक का रिजल्ट है वो आ जाता है क्योंकि अभी कक्षा 12वीं के जो है रोल नंबर जारी नहीं किए गए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, यूपी बोर्ड की जो भी अपडेट आई चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आज जो भी मीटिंग का फैसला आएगा मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।